हेलो एवरीवन सो माय सेल्फ शुड वेलकम टू माय चैनल मिस बॉटेनो एंड इन टूडेज वीडियो आईल बी टेलिंग यू अबाउट द टॉपिक साइबर डाइजेशन तो आज हम लोग साइबर डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनरली साइब्रडाइजेशन के टाइम पे हम ये पढ़ते हैं कि साइब्रिड्स क्या होते हैं और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है क्या रीजंस होते हैं कि साइब्रिड्स का फॉर्मेशन होता है ओके okay. तो साइब्रडाइजेशन वर्ड जो है वो दो चीज़ों से बना है एक है साइब्रिड और एक है जेशन जनरली ये जो वर्ड जेशन होता है इसका मतलब होता है फॉर्मेशन और साइब्रिड वर्ड जो है हमें पहले यहाँ पर ये यह चीज पढ़ने के लिए पता होना चाहिए कि साइब्रिड्स क्या होते हैं आपने हाइब्रिड वर्ड तो बहुत कॉमन सुना होगा बट साइब्रिड वर्ड बहुत रेयर होता है हाइब्रिड मतलब होता है जब दो कोई भी पर पर्टिकुलर हमारे ज है वो दोनों फ्यूज करते हैं और दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाली जेनरेशन में प्रेजेंट रहते हैं बट But... साइबर वो होता है जब दोनों या दो अलग अलग पेरेंट्स के, दो पेरेंट के, के बाद दोनों ही पेरेंट्स का जनरेशन तो पे आता है बट किसी एक ही पेरेंट का जो न्यूक्लियस होता है वो एक पर्टिकुलर आने वाली सेल में प्रेजेंट रहता है मतलब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आगे आने वाली सेल में क्या होंगे प्रेजेंट नहीं होंगे भले ही साइटोप्लाज्म दोनों ही पेरेंट्स का उसमें प्रेजेंट क्यों ना हो सो ड द सेल विथ साइटोप्लाजम ऑफ बोथ पेरेंट्स एंड न्यूक्लियस ऑफ ओनली वन पेरेंट तो यहां सिंपल सी बात जब हम कह रहे हैं कि कोई दो पर्टिकुलर पेरेंट है सोचते हैं कि एक डिजीज रेजिस्टेंस है और दूसरा हम बोलते हैं ईल्ड है वो बहुत ज्यादा है ठीक है और हमें दोनों प्लांट्स की क्या करवानी है क्रॉसिंग करवानी है तो अगर हम क्रॉसिंग कराते हैं और एक नया प्लांट हमारे पास बन के आता है जो कि डिजीज रेजिस्टेंस भी है और उसमें क्या है उसकी ईल्ड भी ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि वो प्लांट क्या है वो हाइब्रिड प्लांट है क्योंकि उसमें दो दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं लेकिन अगर यहां पे जो आने वाली जेनरेशन है उसमें या या डिजीज़ रेजिस्टेंसी हो, फिर सिर्फ और सिर्फ क्या कैरेक्टर हो उसमें सिर्फ और सिर्फ हाई ईल्ड का कैरेक्टरिस्टिक हो तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं साइब्रिड का फॉर्मेशन मतलब साइब्रिड एक ऐसी सेल होती है जहां पे दोनों ही फ्यूजिंग पेरेंट्स के जो गैमिट्स होते हैं दोनों का साइटोप्लाजम तो आता है बट किसी एक का ही न्यूक्लियस क्या होगा वहां पे देखने को मिलेगा ओके अब सबसे पहले हम बोलते हैं व्हाट इज साइब्रिडाइजेशन सो द फॉर्मेशन ऑफ सच साइब्रिड विद प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज कॉल्ड एज साइब्रिडाइजेशन प्रोटोप्लास्ट क्या होता है प्रोटोप्लास्ट एक ऐसी सेल होती है जो कि बिना सेलवॉल की प्रेजेंट होती है यानी कि एक सेल जिसमें से हम लोग वॉल को बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस टाइप की सेल को हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट ठीक है तो प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के बाद साइब्रिड्स का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइब्रिडाइजेशन नाव अब हम इसको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं क्योंकि यहां पे हमारे पास दो पेरेंट है एक ही हमारे पास पेरेंट ए और दूसरा है हमारे पास पेरेंट बी ठीक है B, हमने इन दोनों को फ्यूज़ कराया इसके लिए जो एक सिंपल सी प्रोसेस होती है आप लोगों ने प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन अगर पढ़ा हो तो उसका एक सीरीज चलता है जैसे सबसे पहले एक आता है मतलब एडिशन होता है एडिशन के बाद क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है डिजोल्यूशन होता है जिस भी पॉइंट पे ये दोनों पेरेंट सेल आपस में फ्यूज करते हैं ना तो वहां पे एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनती है तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के टाइम पे जो बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है क्योंकि ये तो प्रोटोप्लास्ट है और मैंने आपको बताया कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो बिना सेल वॉल का होता है मतलब एक ऐसी सेल जहां जहा सिर्फ न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बट वहां पर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है ठीक है तो जहां पर ये दोनों सेल कॉन्टेक्ट पे आते हैं वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है और फ्यूज होने के बाद ये एक पर्टिकुलर हमारा सेल बनाती है जहां पर या तो

पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ये दो सिचुएशन बनेगी अगर साइब्रिड का फॉर्मेशन होगा अब हम यहाँ पे साइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हमें साइब्रिड के फॉर्मेशन पे फोकस करना है ओके अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशन है यानी कि जब पूरी तरीके से फ्यूजन हो चुका है तो हमारे पास दो टाइप के यहाँ पे जो न्यू जेनरेशन हमारी बनी है वो देखने को मिल सकती है पहली सिचुएशन आप देख सकते हो कि मैंने जो पेरेंट ए है उसके साइटोप्लाज्म को रेड से मार्क किया है और जो पेरेंट बी है उसकी साइटोप्लाज्म को मैंने ग्रीन से मार्क किया है ओके फॉर्म साइब्रेड पे फोकस करोगे तो आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है पेरेंट ए का न्यूक्लियस आया है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पेरेंट बी का न्यूक्लियस आया है बट से कोई भी साइब्रिड बने साइटोप्लाज्म आप देख सकते हो कि इसमें भी दोनों पेरेंट का साइटोप्लाज्म आया है ग्रीन भी है रेड भी है और यहाँ पे आप देखोगे तो इधर भी दोनों पेरेंट का साइटोप्लाज्म आया है मतलब कि साइटोप्लाज्म साइब्रिड हमारे जो बने या तो ये या फिर ये एक ऐसी सेल बनी जहां पे न्यूक्लियस तो सिंगल पेरेंट का आया बट जो साइटोप्लाज्म है वो हमारी दोनों पेरेंट्स का आया है ओके तो ए पेरेंट का न्यूक्लियस इसमें आया बी पेरेंट का न्यूक्लियस इसमें आया बट बोथ ऑफ देम हैव द साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ द पेरेंट्स लेकिन अगर इसकी जगह हमारा ये सिचुएशन बनता मतलब हमारा जो रिजल्टिंग हमारा जो नया जनरेशन बना है उस नए जनरेशन में अगर ये वाली सिचुएशन देखने को मिलती तो हम बोलते कि वो साइब्रिडाइजेशन नहीं वो हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पेरेंट का न्यूक्लियस आया आप देख सकते हो कि हाफ रेड है हाफ ग्रीन है और साइटोप्लाज्म तो दोनों पेरेंट्स का आएगा ही आएगा ठीक है तो इस सिचुएशन को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं यानी कि जो नई जनरेशन बनी उसमें

दूसरी सिचुएशन आती है एलिमिनेशन ऑफ क्रोमोजोम्स ऑफ वन स्पीसीज फ्रॉम द हाइब्रिड सेल एक पर्टिकुलर हाइब्रिड सेल जो हमारी बनी उसमें से ऑटोमेटिकली एक स्पीसीज के क्रोमोजोम क्या हो गए वो एलिमिनेट हो गए ठीक है तो सेकेंड सिचुएशन हमारी ये आ सकती है थर्ड जो हमारी सिचुएशन आती है वो ये होती है कि सेल्फ न्यूक्लियस एलिमिनेशन ऑफ वन स्पीसीस किसी भी एक यानी कि एक पेरेंटल जो भी हमारा पेरेंटल सेल थी उसके न्यूक्लियस ने खुद को सेल्फ एलिमिनेट कर लिया फिर एक लास्ट जो हमारी सिचुएशन आती है बिहाइंड साइब्रिडाइजेशन वो तब आती है जब कोई जैसे एरर वगैरह आ जाती है कोई म्यूटेशन हो जाता है अब वो कैसे हो सकता है

पेरेंट का न्यूक्लियस देखने को मिलता है ओके okay, तो हम इस टॉपिक को जनरली एडवांटेजेस पे एंड करेंगे तो क्या एडवांटेज होते हैं साइब्रेडाइजेशन के सबसे पहले ओवरकम सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी बैरियर सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी बैरियर को हम ओवरकम कर सकते हैं बाय साइबरडाइजेशन सेकेंड इज जब साइबरडाइजेशन पे हम फोकस कर रहे हैं तो मोस्टली जो हमारा फोकस है वो साइटोप्लाज्म पे हम बोल रहे हैं कि साइटोप्लाज्म दोनों पेरेंट का आ रहा है तो इसका हम यूज़ करते हैं साइटोप्लाज्मिक जीन स्टडी के लिए मतलब ऐसे जीन्स जो कि साइटोप्लाज्म पे प्रेजेंट है उनकी स्टडी करने के लिए हम लोग साइब्रिडाइजेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं थर्ड पॉइंट आता है हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल इन जुवेनाइल स्टेट ओके जो साइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जहां पे जुवेनाइल स्टेज है जुवेनाइल स्टेज होती है उसको हम यंग स्टेज बोलते हैं और इस यंग स्टेज पे भी हाइब्रिडाइजेशन जैसी टेक्निक क्या होती है वो पॉसिबल होती है लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो एडवांटेज आता है वो एक पर्टिकुलर प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बनाता है और स्ट्रेस रेजिस्टेंस बनाता है जैसे हमने बोला कि हमने दो पेरेंट लिए हैं और दोनों पेरेंट को जब हमने फ्यूजन कराया है ठीक है एक पेरेंट के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि डिजीज रेजिटेंसी का कैरेक्टरिस्टिक और दूसरे के अंदर हाई ईल्ड कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है तो दोनों को अगर हम फ्यूजन कराएंगे तो हमारे पास दो डिफरेंट सिचुएशन है वो पर्टिकुलर प्लांट क्या है हमारा या तो डिजीज रेजिस्टेंस होगा या फिर हमारा क्या हो सकता है वो हाई ईल्ड वेराइटी क्रॉप को प्रोड्यूस करवा सकता है तो मतलब कहीं ना कहीं ये क्या करता है कुछ ऐसे प्लांट क्रिएट करने में

एडवांटेजेस ओके सो आई होप की वीडियो आप लोग की हेल्पफुल रही होगी अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं वीडियो से रिलेटेड या फिर अगर आपको कोई भी अदर टॉपिक्स में डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं मैं आपके लिए हमेशा कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल रहती हूं ओके सो दैट ऑल फॉर टुडेज वीडियो इफ द वीडियो इज हेल्पुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू